ढोंग जो है वो इंसान को सताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको उबारने के लिए। पैसा, धर्म यात्रा, धर्म संसद, धर्म कर्म के नाम पर कांवड़ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, जितनी यात्राएं धार्मिक होती हैं उसके नाम पे जितना संसाधन, जितने पैसे, जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, क्या उतने ही पैसे संस्थान, हॉस्पिटल बनाने के लिए, डॉक्टर रखने के लिए, वजीफा देने के लिए, रिसर्च करने के लिए दिया? जो आधा किलो पैकेट की दाल कौन खरीदता है? आप सोच के देखिए, 10 रुपए, 5 रुपए दही का पैकेट, दूध का पैकेट या इस तरह की चीजें कौन खरीदता है? या जो भी डब्बा बंद सामान है, छोटा छोटा बिस्किट्स का या कुछ भी हो, तो कौन खरीदता है? वो छोटे कंज्यूमर है। आटा का रेट 100 रुपए से 150 रुपए, 200 रुपए किलो जाने लगेगा ना, लेकिन ये जितने लोग कांवड़ के दिखाते हैं, ये सारे जो है आटा खरीदने वाली लाइन में खड़े हैं। मांग करे कौन, या जो कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, या कैसे कर पाते हैं, या जिनको मांग करनी चाहिए तो कांवड़ लेके ढो रहे हैं, तो मांग कैसे करेंगे? नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, और यहाँ पर जो आज बहुजनों को लेकर बहुत बड़ी जो प्रोग्राम रखा गया है, तो वही कुछ जो है अभी हमारे साथ हैं प्रोफेसर रामाशंकर कुशवाहा जी, तो उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मुद्दा है। सर, आज जो यहाँ पर मैं सामने देख सकती हूँ, बहुसंख्यकों की हक मारी रोकने वाजिब हिस्सेदारी के लिए आयोजित सेमिनार में आपका स्वागत है, और साथ में लिखा है जातिगत जनगणना बैलेट पेपर से चुनाव। तो सर, ये जो आज बहुसंख्यकों की हक मारी हो रही है, आखिर कौन हक मारी कर रहा है? देखिए, ये जो है किसी व्यक्ति की बात नहीं कर सकते, ये मामला थोड़ा बहुत बड़ा है। इसको आप समझने की कोशिश ऐसे करिए कि आज़ादी के पहले जब लड़ाई चल रही थी और संघर्ष चल रहा था और अंग्रेज़ों को भगाने की कवायद चल रही थी, तब ये कहा जा रहा था कि अंग्रेज़ देश छोड़कर चले जाएंगे, फिर हमारा राज्य होगा। हमारा मतलब किसका? बाद में पता चला कि जो राजे रजवाड़े वाले लोग थे उनको उठा करके सत्ता में बिठा दिया गया, तो सत्ता का चरित्र तो बदल गया है ना, सोच नहीं बदली, कहने के लिए लोग बदल गए, लेकिन जो कुर्सी पर बैठे वो पहले जमींदार के रूप में गांव में शोषण करते थे, बाद में वो संसद में बैठ गए, तो वो सारी नीतियां, सारी योजनाएं जो बनाते थे उनको, उसका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। जो कहते हैं जमीन, जो कहते हैं ऐसा आदमी जो हाशिए का हो, ये तो गांधी कहते थे कि सबसे दूर का आदमी जो है, सबसे परेशान आदमी, उस तक सुविधा पहुँचे, कैसे पहुँचेगी, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी। छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी सरकार ने GST पर फूड पैकेट पर दाम बढ़ा दिया, अब ये कह रहे हैं कि सारे राज्यों से सहमति लेकर बना है। राज्यों की सहमति लेकर बनाया गया है, ये तो ठीक है, बात समझ आ गई, लेकिन क्या ये जनता के पक्ष में है? मुझे नहीं लगता है जनता के पक्ष में। जनता तो सर बोल रही है कि बहुत बढ़िया हुआ, जिस तरीके से डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़े थे, जनता तो खुश है। अब जो है हीरा सस्ता हो गया, हीरा खरीद सकता है गरीब इंसान? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये देखिए अजीब सी बात है कि हीरे पर GST घटाई जा रही है और फूड पैकेट्स पर बढ़ाई जा रही है। सबसे ज़्यादा सेल किसकी है, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर किसके हैं, और वो लोग कौन हैं जो खरीदते हैं? हीरा खरीदने वाले आदमी को अगर 1 लाख का हीरा खरीद रहा है तो उसको 1,10,000 देना पड़ेगा, 5,000 उसको कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से नहीं पड़ता। लेकिन जो आदमी 5 रुपये की सामान खरीदने के लिए मोहताज है, उसको अगर अचानक से 7 रुपया देना पड़े, 10 रुपया देना पड़े, तो परेशान हो जाता है। बस के टिकट का 1 रुपया दाम बढ़ा के देख लीजिए, कितने सवारियां, कितने लोग पैदल चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोविड के बाद जो इन्फ्लेशन मार्केट में है, जो समस्याएं लोगों के साथ हैं, उस कंडीशन में इस तरह का कोई फैसला इस तरह की सरकार ले सकती है जो सबका साथ सर्व के विकास की बात करती है, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। ये जो सोच है, ये सोच किसकी हो सकती है ये पता नहीं, लेकिन ये सोच बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि सामान्य आदमी जो छोटे से छोटी उद्योग करके, रोजगार करके जीवन चला रहा है, आप उसके लिए सामान का दाम बढ़ा रहे हैं, ये स्पेशल उसके लिए है। 1 किलो, आधा किलो पैकेट की दाल कौन खरीदता है? आप सोच के देखिए, 10 रुपये, 5 रुपये दही का पैकेट, दूध का पैकेट या इस तरह की चीज़ें कौन खरीदता है? या जो भी डब्बा बंद सामान है, छोटा छोटा बिस्किट्स का या कुछ भी हो, वो कौन खरीदता है? वो छोटे कंज्यूमर हैं। बड़े लोग बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े पैकेट खरीद के ले आते हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सामान्य आदमी है वो कितना इससे प्रताड़ित होगा, और जो ये बाजार में लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो कितने परेशान होंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी सुना है कि व्यापारिक ट्रेड यूनियन ने इसका विरोध किया था कि इससे हमारा व्यापार और बाकी चीज़ें इफेक्टेड होगी, लेकिन ये विरोध जो है वो सामान्य जनता के साथ उनका है या उनका अपने तरह का विरोध है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो भी है ये विरोध सही है। कारण ये है कि सबसे पहले
जो एक सामान्य कंज्यूमर है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसके भरण पोषण से लेकर छोटी छोटी चीज़ों में जो मदद हो सकती है वो की जाए। एक तरफ ये राशन बांट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मुफ्त देंगे, दूसरे तरफ ये डिब्बाबंद सामान का रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा लगता है कि अपनी बात में ये विरोधाभास पैदा कर रहा है, कंट्राडिक्ट करके चल रहे हैं, अपनी बात को दूसरी बात से काट रहे हैं। ये किसी बुद्धिमान सरकार या बुद्धिमान पॉलिसी मेकर की निशानी तो बिल्कुल नहीं दिखती है। कोई समझदार अगर व्यक्ति होगा तो ये इस तरह का निर्णय नहीं करेगा। छोटे छोटे जो सामान हैं, छोटे छोटे जो कंज्यूमर हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं अगर किसी तरह की महंगाई आती है। जैसे तेल का दाम बढ़ गया, ठीक है, जो गाड़ी में घूमता है उसके पास पैसा हो सकता है, लेकिन जो गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे जो रेट बढ़ा है उसकी जो भरपाई है वो सामान्य आदमी करता है। सर, आपने अभी कहा कि जो प्रताड़ित हो रहे हैं लोग और छोटे छोटे, कोई प्रताड़ित नहीं हो रहा है, ये मुद्दा ही नहीं है सर। क्योंकि अभी देखिए किस तरीके से हिंदू मुस्लिम हो रहा है और लगातार मंदिर मस्जिद हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। आपको खुश होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र के अंदर अब जो है इस तरीके से GST लग रही, मोदी जी ने लाल लाल आंखें दिखा दी अमेरिका को, अमेरिका तक डरता है। नहीं देखिए, ये वो कहते हैं सुनहरे सपने टाइप की चीज़ है, ये सब जो है इस पर हमें कोई विश्वास नहीं है। मेरा बस ये कहना है कि जनता परेशान है और है, वो अलग बात है कि जनता धर्मांध है या कुछ लोग धर्मांधता के शिकार हैं, ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जागरूकता नहीं है, साक्षरता नहीं है। अभी आप देखिए जो सबसे ज़्यादा कांवड़ ढोने वाले लोग हैं वो वही बहुसंख्यक लोग हैं जिनकी लड़ाई लोग यहाँ लड़ रहे हैं। आप उन कांवड़ ढोने वाले को आप कहिए कि संसद चलो और तुम अपने आरक्षण की मांग करो, वो नहीं आ सकते, क्योंकि वो सोच नहीं है, वो समझ नहीं है। और शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो इसी समझ, जो अभी उनकी सोच और समझ है उसको बरकरार रखने के लिए हो रहा है। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि आप जैसे हो वैसे ही जाओ। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि आज से 1000 साल 2000 साल पहले का अगर आप इतिहास पढ़िए तो उसमें आपको मिलेगा कि जो धर्म सत्ता है वो ये कहती है कि कुछ भी नया मत खोजो, सब कुछ हमारे पास है और तुम उसी को लागू करने की कोशिश करो। इसका मतलब ये होता है कि आप ना खोजो मतलब ना सोचो, नहीं सोचोगे तो समझदारी आएगी नहीं, आप कुछ जनरेट करने की कोशिश नहीं करेंगे बनाने की। ये एक तरह की साजिश है, लेकिन वो साजिश तब समझ में आएगी जब आपके पास शिक्षा होगी, जब आपके पास दिशा होगी, जब आपके पास सोच होगी, कोई विजन होगा। तो यहाँ क्या है कि ये सारी चीज़ें सरकारें जनरेट ही नहीं होने देती। जो व्यवस्था कायम की जा रही है उसमें ये सारी चीज़ें जनरेट नहीं होने देती। लेकिन देखिए, हमारे गुरु कहते हैं कि ये रिवोल्ट होगा, आज नहीं तो कल इसका विरोध ऐसे उभर के आएगा कि उसको फिर मैनेज करना मुश्किल होगा। जिस दिन आटा का रेट 100 रुपये से 150 रुपये 200 रुपये किलो जाने लगेगा ना, उस दिन ये जितने लोग कांवड़ लेके घूम रहे हैं ये सारे जो है आटा खरीदने वाली लाइन में खड़े हो जाएंगे। मजबूरी हो जाएगी कि वो इस लड़ाई को लड़ें, लेकिन वो दौर आने में समय है। और हमें लगता है कि अगर इसी तरह से सरकार की नीतियाँ बनती रही और लोग जागरूकता से मुँह मोड़ते रहे तो वो दिन आने में बहुत दूर नहीं। क्या धर्म का मुद्दा बनाकर जो लगातार धर्म चिल्लाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, लगातार जो लोग आ रहे हैं सामने, तो क्या वाकई में एक साजिश हो रही है उन अल्पसंख्यकों के साथ, उन बहुसंख्यकों के साथ? नहीं देखिए, उनके बच्चे जो है धर्म और कर्म कांड और पाखंड में घुस जाए, क्या ये धर्म और पाखंड है? देखिए, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का झगड़ा अलग है, उसको तो स्वाभाविक उलझाने के लिए ही किया जाता है। लेकिन जो धर्म का और जो बाकी मामले हैं, देखिए कर्मकांड से दिक्कत है, धर्म से किसी को दिक्कत नहीं। धर्म एक जीवन का अनुशासन हो सकता है, जिसको लगता है वो पालन करता है, जिसको लगता है नहीं करता है, ये व्यक्तिगत सबका अपना निर्णय है, वो होना चाहिए, इसको हम इम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन ये किसी न किसी तरह इम्पोज किया जा रहा है, ये थोड़ा खतरनाक है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ज़रूरी है, पूजा करना ज़रूरी है, ये निर्धारित करना एक आम आदमी की सोच है। अब वो आदमी अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाता है तो इसमें सरकार तो अपने तरीके से काम कर रही है ना। सरकार का तरीका ये है कि हमें वो मुद्दे हाईलाइट नहीं होने देने जिससे हमारी कमजोरियां जाहिर हों, और हर सरकार करती है, ये आज के दिन नहीं है, ये तो पता नहीं 50 साल से ही हो रहा है कि हर सरकारें ये काम करती हैं कि हमारी कमजोरियाँ जाहिर ना हो, उसको छुपा देना है। और उसके लिए वो ऐसे मुद्दे उछालते हैं जो जिसमें वो सारी दब जाएँ। वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं आपको पता है? वो जातीय झगड़े हो सकते हैं, वो सांप्रदायिक संघर्ष हो सकता है, वो धर्म की बात हो सकती है,
कुछ इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और जनता उधर ही मूव कर जाती है। पढ़े लिखे लोग, ये देखिए मैं एक और बात जो बोला था कि खाली अशिक्षित लोग, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के रास्ते पर चल रहे हैं, नो डाउट, लेकिन अंतरात्मा उनकी भी इसी तरफ करती है कि वो गलत कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल, बता रहा हूँ आपको कि इस पर उन सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, सरकार हो, इंटेलेक्चुअल हो, देश की संस्थाएं हो, सबको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन जिस गति से हो रहा है, शिक्षा को जिधर भेजा जा रहा है, आने वाले टाइम में अब देखिए बहुत सारे स्कूल जो है गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट एनजीओज को या कंपनियों को दे दिया गया ट्रायल करने के लिए। अब वो स्कूल में जो नियुक्ति होगी वो प्राइवेट एनजीओ या वो कंपनी करेगी, उसमें मिड डे मील जो मिलेगा वो कंपनी देगी। आज वो कह रहे हैं कि हम फीस नहीं, आज जो आप पढ़ोगे तो पैसे देंगे, कल सरकार कह देगी मेरे पास पैसा नहीं है तो आपको फ्री में पढ़ना है, आप फ्री में नहीं पढ़ सकते तो आपको फीस देना है। अब फीस कितनी होगी वो सरकार डिसाइड करेगी, हो सकता है फीस इतनी होगी आप ना दे पाएँ। तो जो ये सर्कल है, ये एक तरह का सर्कल है, ये दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, मिल चुके हैं, तो ये यहाँ भी हो सकता है, हमें इस संभावना से इनकार नहीं करना चाहिए। तो सर क्या कहना चाहते हैं कि लगातार जिस तरीके से भारत में हो रहा है, अब भारत ऐसा बोलना ही पड़ेगा क्योंकि भारत में जिस तरीके से लगातार हो रहा है, तो क्या श्रीलंका जैसे हालात भुगतने पड़ेंगे? नहीं देखिए स्वाभाविक है, कहीं भी अगर जनता को एक सीमा से ऊपर जनता को दबाया जाएगा, उसकी परेशानियां बढ़ेंगी, तो जनता रिवोल्ट करेगी, सब जगह करती है, ये सिर्फ भारत और श्रीलंका की बात नहीं है, कहीं भी एक सीमा के बाद जनता इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती। हमारे गुरु कहते हैं कि जिस दिन जनता का दिमाग घूम गया ना, तो उस दिन वो सबकी ईंट सींट बचा सकती है। और वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आने में समय लगता है, दूसरा एक दौर की बात है, एक दौर की बात है। जैसे एक छोटा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए आज शिक्षा की व्यवस्था धीरे 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 खस्ता होती जा रही है और बहुत जगह प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट स्कूल को प्राइवेटाइजेशन की तरफ भेजा जा रहा है, आने वाले टाइम में एक ऐसा दौर आ जाएगा कि चाह के भी आप अपने बच्चे को या एक लोअर क्लास या बिल्कुल लो डाउन का आदमी अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि व्यवस्था धीरे धीरे कायम हो रही है। जो सरकारी संस्थाएँ सपोर्ट करती थी, जैसे कोविड में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, स्वाभाविक है सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने किया है, सब मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि इसके प्राइवेटाइजेशन को बंद करो, क्यों नहीं कह रहा है? तो ये लड़ाई आज जो लोग नहीं लड़ रहे हैं या जो नहीं सोच पा रहे हैं, कल उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट जो है, स्टेट से ज़्यादा रिलायबल, स्टेट से ज़्यादा फेमिलियर, स्टेट से ज़्यादा सस्ता या कह सकते हैं सहयोग परस्त दूसरी कोई प्राइवेट सुविधा नहीं हो सकती। थोड़े समय के लिए हो सकता है हो, आने वाले टाइम में वो फिर बढ़ेगी, जैसे बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां फ्री में सुविधा दे रही थी, अभी बढ़ा दिया उन लोगों ने रेट, अब जो संसाधन भुगत चुके हैं या जो भोग कर चुके हैं वो क्या करेंगे, वापस नहीं जा सकते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको कंटिन्यू किए हुए। सर आखिरी सवाल ये है मेरा कि अब जो है किस तरीके से जो SC ST OBC अब जिस तरीके से कावड़ लेके जाते हैं, तो इसका समाधान क्या है, कैसे उन युवाओं को हमें जागृत करना? देखिए इसका समाधान तो शिक्षा है निश्चित रूप से, हम ये नहीं कह रहे कि कोई अपने धर्म का पालन ना करे, कोई अपने नियम अनुशासन और संस्कृति और परंपरा को भूल जाए, उसका जिसको जैसे पालन करना है वो करे, वो एक पार्ट है, लेकिन ये जो अंधभक्ति है, ये जो ढोंग है, इस ढोंग का कबीर दास ने 700-800 साल पहले विरोध किया था। क्यों किया था? कबीर दास के पास एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार था, अनुभव था, वो इसलिए इस चीज़ का विरोध कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि ढोंग जो है वो इंसान को सताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको उबारने के लिए नहीं। अगर किसी के पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है तो कांवड़ होने के लिए पैसा कहाँ से ले आता है? निश्चित है कहीं ना कहीं से ले आता होगा, चाहे उसके लिए घर का सामान बेचता हो, बाहर की चीज़ें, कुछ ना कुछ करता होगा निश्चित रूप से। तो ये जो व्यवस्था है, जितना पैसा सरकारें कांवड़ होने के लिए, कांवड़ में सुविधा देने के लिए, धर्म यात्रा के लिए खर्च कर रही हैं, क्या उतना ही पैसा सरकारें फीस माफ़ करने के लिए, वजीफा देने के लिए खर्च करती हैं? सवाल तो ये पूछने की बात है ना, कि क्या सरकारें उतना ही पैसा इन कामों में खर्च करती हैं, और नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं? तो ये असली सवाल है कि जितना पैसा धर्म यात्रा, धर्म संसद, धर्म कर्म के नाम पर कांवड़ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, जितनी यात्राएं धार्मिक होती हैं उसके नाम पे जितना संसाधन, जितने पैसे, जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, क्या उतने ही पैसे संस्थान, हॉस्पिटल बनाने के लिए, डॉक्टर रखने के लिए, वजीफा देने के लिए, रिसर्च करने के लिए दिया जा रहा है? और दिया जा रहा है तो उसका क्या आउटपुट है, कहाँ कहीं परिणाम हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग गिरती जा रही है, हमारे विश्वविद्यालय धीरे धीरे धराशायी होते जा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या मॉनिटरिंग खराब है, मतलब क्या गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा। काम इस पर हो रहा है कि ठीक है, अच्छा सामान आ गया, चलो ठीक है, पूजा करना ज़रूरी है,
अभी ये पर्व आ गया, अच्छा चलो इसको मना लेते हैं। तो पर्व त्यौहार मनाने का देश हमारा रहा है, वो संस्कृति रही है, वो एक पार्ट है, लेकिन क्या इसकी आड़ में हम खाना पीना कमाना पढ़ना लिखना सुविधाएं ये सारे भूल जाएं, ये तो सही नहीं होगा। तो संसाधन पर बात करना, उस पर विचार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए इस तरह के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जो आयोजन हो रहे हैं, इनका उद्देश्य है लोगों में इस तरह की जागरूकता पैदा करना कि जो ज़रूरी है आप उसकी मांग करिए, जो ज़रूरी है आप उस तरफ कदम बढ़ाइए, जो ज़रूरी है उसके लिए संघर्ष करिए। आप किसी गलत चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं तो उससे सरकार को अगर समस्या कोई आती है तो सरकार आपके ऊपर बहुत सख्ती से पेश आती है, लेकिन आप ये डिमांड करेंगे कि GST हटनी चाहिए क्योंकि इससे सामान्य आदमी का नुकसान होगा, फीस माफ़ी होनी चाहिए, स्कॉलरशिप बढ़ाई जानी चाहिए, रिसर्च को प्रमोट किया जाना चाहिए, तो ये कोई इससे सरकार कोई आपके ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं कर सकती, वो करेगी भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये मांग अलग है। अब ये समस्या बड़ी है कि ये मांग करे कौन, या जो कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, या कैसे कर पाते हैं, या जिनको मांग करनी चाहिए हो तो कांवड़ लेके ढो रहे हैं तो मांग कैसे करेंगे। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, इससे बाहर निकलने के लिए शिक्षा एकमात्र रास्ता है, जिसको जो शिक्षित होगा जो इससे बाहर निकल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी हमारे साथ रामा शंकर कुशवाहा सर थे और ये प्रोफेसर हैं, और जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर जो लगातार वार किया जा रहा है, जिस तरीके से SC ST OBC के जितने भी नवयुवक हैं उनको लगातार इस कर्मकांड और पाखंड में लगा दिया जाता है, और जब कांवड़ यात्रा से वो जब आते हैं तो धर्म के नाम पर ये जो नेता हैं उनका मालाओं से स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत बताने वाला जो है एक पर्याय, जो एक मात्र तरीका है वो है शिक्षा। तो शिक्षा पे किस तरीके से वार किया जा रहा है, और शिक्षा को लगातार महंगा करके, और लगातार जिस तरीके से महंगाई का दौर है, बेरोज़गारी है, जिस तरीके से लगातार अनाज पे 5% GST लग चुका है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो उस दौर में आप सोचिए आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और कहाँ देखते हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली।